हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है जे टेक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में ऑटो कैड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अब हम टाइप करेंगे ऑटो डेस्क। ये देखिए, ये आ गया है ऑटो डेस्क, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए इसमें ऑटो डेस्क 3D, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए ये मेन्यू वाला आइकन आ रहा है इधर, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए इसमें, देखिए ये स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए इसमें कर्सर को नीचे करिए, ये देखिए डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर लर्न मोर पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए एजुकेशन कम्युनिटी खुल के आ गया। अब देखिए इसमें नीचे जाइएगा और ये देखिए, ये रहा ये ऑटो कैड, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए खुल गया। अब देखिए ये आ रहा है क्रिएट अकाउंट एंड साइन इन, आपको इसमें न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से भरिएगा इंडिया। ये देखिए इंडिया एजुकेशनल रोल स्टूडेंट, आप कुछ भी भर सकते हैं इसमें, एजुकेटर्स स्टूडेंट। और इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए अपनी, जो भी है मैं रेंडमली इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए फिर नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है अपना और लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और इसमें यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है जिसके थ्रू आपका अकाउंट साइन इन होगा ऑटोडेस्क में। यहाँ पे अपना अकाउंट एक पासवर्ड ही बना लीजिए और फिर इस पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। आपके पास मेल आ जाएगा जो आप इसमें ईमेल आईडी फिल करेंगे और फिर उसके बाद अब हम इसको साइन इन करेंगे। स्टूडेंट एंड एजुकेटर पे क्लिक करा दोबारा। अब देखिए ये दोबारा लर्न मोर पे जाए, फिर ये ऑटो कैड। अब देखिए ये रहा साइन इन, साइन इन पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जो आपने वहाँ डाला था। यहाँ करके ऐसे नेक्स्ट कीजिएगा, वेरीफाई करेगा, फिर यहाँ पर वो वाला पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया हुआ है। ओके, ये देखिए मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे और पासवर्ड डाल दिया है और मैंने इसको साइन इन कर दिया है। अब देखिए नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए वर्ज़न पूछ रहा है हमारे से, ये वर्ज़न हमें देखिए यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए 16, 17, 18, 19 वर्ज़न बता रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा फिर, जैसे देखिए हमने ये 16 पे क्लिक कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ये 32 बिट का है या 64 बिट, 64 बिट क्लिक कर दीजिए। अब लैंग्वेज इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए। अब देखिए ये 16 MB, ओके वे 16 MB दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए और इस पर एक्सेप्ट कर दीजिए, ये इंस्टॉल, इस पर इंस्टॉल। अब देखिए ये इंस्टॉल होगा, ये देखिए यहाँ नीचे आ गया है हमारे डाउनलोड में। ये देखिए इसको हम ओपन करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे यहाँ से हम, इसमें चेक करेंगे। ये देखिए ये रहा हमारा ऑटो कैड 2016, इधर दिखा रहा है, वैसे देख सकते हैं डाउनलोडिंग में।
और देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखिए ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए अब देखिए ये पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, यस कर दीजिए। अब देखिए ये इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है लैपटॉप में, ये देखिए। अब देखिए ये पूछेगा इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल टूल, इसको नहीं क्लिक करना, इंस्टॉल जिस पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये इंस्टॉल होगा, ये देखिए ये सब में राइट लगा हुआ है। मेरे में इसलिए नहीं दिखा रहा ये क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये इंस्टॉल हो रखा है, इसलिए मेरे में शो नहीं कर रहा। और आप जैसे ही इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे टिक कर दीजिए, इस पर टिक कर दीजिए और इस पर टिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ से इसमें इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इंस्टॉल होने के बाद वो थोड़ी देर लगाएगा, इंस्टॉल होने में थोड़ी देर लगती है, इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये 4 या 5 GB का है, 4 या 5 GB इसमें डाटा खर्च होगा आपका। ये फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये देखिए। अब देखिए हम में तो इंस्टॉल है ऑलरेडी, हम चला के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैंने 2016 का डाउनलोड कर लिया है ऑटोकैड। इसी तरीके से आप जो उसमें वर्जन शो कर रहा था सारे वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम स्टार्ट ड्राइंग पे। अब देखिए ये हमारा ऑटोकैड वर्किंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ड्राइंग कोई भी हो ड्रॉ कर सकते हैं।